हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का फिर से मेरे लंच बॉक्स में। तो जब घर पर कुछ सब्जी ना हो तो फिर क्या बनाएं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है हम हाउसवाइफ को कि दोपहर में क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं, रात को क्या बनाएं। बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। अगर मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके पूछती हूँ ना कि मैं क्या बनाऊँ, तो वो भी कुछ नहीं बताते। वो भी मुझे मेरे ऊपर ही छोड़ देते कि तुझे जो अच्छा लगे वो बनाओ। तो आज घर पर कोई सब्जी थी नहीं तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो आज मैंने कुछ ऐसा बनाया कि जिसको पति देव देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और मतलब उनकी मनपसंद चीज़, कहने को मतलब ये है उनकी मनपसंद चीज़ बनाई मैंने। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करिए। कभी कभी आप घर पे सब्ज़ी नहीं होती है तो क्या बनाएं। तो चलिए, मैंने लिया है प्याज, लहसुन की कली 4 से 5, हरी मिर्ची, तो सबको हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। पहले तो सब्जी के सोच रहे थे कि क्या बनाऊँ, तो सब्जी के लिए मूली के पत्ते रखे हुए थे, मूली एक रखी थी तो मैंने उसको कट कर ली फटाफट से। और कोई सब्जी थी नहीं घर पे। उसके बाद हमने कढ़ाई में किया है तेल गरम, और उसमें हमने लहसुन प्याज हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा जीरा डालने के बाद। और उसके बाद हमने जो बारीक बारीक कट करके रखी है ना मूली की पत्ती, उसको डाल देंगे। अगर आपके पास मूली के पत्ते हैं ना तो उसको इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। इतना ज़्यादा यम्मी सब्जी बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये हरी सब्जी है ना, उस हिसाब से इसमें विटामिन मिनरल्स सब कुछ भरे पड़े होते हैं। तो आप लोग कभी कभी ट्राई जरूर कर लिया करो, नई चीज़ है। पहले मैं भी नहीं खाती थी, मुझे नहीं पता था इसका टेस्ट कैसा होता है। तो एक बार मैंने जब बनाई ना तो मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तब से मैं बना ही लेती हूँ 8 दिन में एक बार। तो हरी सब्जी भी खानी चाहिए। तो चलिए इसको हम चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। पानी अभी नहीं डालेंगे हम इसमें, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जितने मसाले आप डेली का यूज़ करते हो वो आप इसमें सारे यूज़ कर लीजिए। धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, सब चीज़ इसमें डाल के अच्छे से चलाकर गैस को स्लो करके फिर हम इसको ढककर धीमी आंच पे पकाएंगे, है ना। तो आप लोग बताइए, आप लोग इस तरीके से कौन कौन बनाता है। तो मैं तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ सब मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब कि औरतें बनाती हैं बस वही बनाती हूँ मैं, और कुछ नई चीज़ नहीं बनाती हूँ मैं। तो मैंने लिया है बेसन, और बेसन में हमने 4 हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके डाली है, एक टमाटर बारीक कर कर करके डाला था, बस टमाटर थोड़ा बारीक कट किया था, और थोड़ा सा हमने क्या डाला पता आपको, प्याज एकदम बारीक कट करके, हरा धनिया काटेंगे अभी इसको अच्छे से धो के। और ये देख लीजिए सब्जी को हमने पकने के लिए रख दिया है एकदम ढककर। और थोड़ा सा तेल हमने कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ना उसमें थोड़ा बहुत तेल लगेगा। तो चलिए, और सच बता रहे हैं बेसन की चीज़ें भी खाना हेल्थी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मेरे घर सबको सर्दी हो रखी है, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी, तो सर्दी में हम अक्सर अगर बेसन की चीज़ खाते हैं ना तो बहुत जल्दी सर्दी ठीक हो जाती है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, जीरा नहीं डालना, सौंफ का टेस्ट कुछ अलग होता है, तो हम डालेंगे सौंफ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ। तो थोड़ा सा धनिया था, ख़त्म हो गया था धनिया पाउडर, तो हम डाल देंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी नहीं डालनी है, जीरा नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें सौंफ डाली है, इसलिए अगर हम दोनों चीज़ डाल देंगे तो हमको अच्छे से स्वाद नहीं आ पाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा पतला सा ही हमें इसका घोल बनाना है। आपको बता देती हूँ, आप पकोड़े के लिए थोड़ा टाइट सा घोल लगाते हो, उससे थोड़ा पतला लगाना है। तो चलिए थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं इसको, और किस तरीके से बैटर बनाना है ये देख लीजिए। इस तरीके का बैटर होता है, बहुत लोग जो गांव में होते हैं ना, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो थोड़ा सा, ये वैसे तो नॉन स्टिक तवा था लेकिन इसको 5 से 6 साल हो गए हैं, इसके कहते हैं ना नॉन स्टिक तवा ख़त्म हो गई है, तो इस पर कभी कभी डोसा चिपक जाता है, डोसा हो या फिर चीला हो। तो मैं इस पर बहुत सारा तेल लगा दिया है, और उस पर डालेंगे अब 1 चम्मच भर के जो हमने बैटर बनाया है वो। तो गाँव के जो लोग होते हैं ना वो किस तरीके से बनाते हैं, मैंने बहुत बार देखा किस तरीके से बनाते हैं। तो वो सिर्फ धनिया भी नहीं डालते, बस नमक, लाल मिर्ची डाल देंगे और ऐसे ही बनाएंगे। कहते हैं पतले पतले बनाओ, पतले पतले तो बनाओ लेकिन हमको टेस्ट आए ऐसा तो बनाओ। कम से कम बेसन का बना रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ बेसन का ही यूज़ कर सकते हैं। और
मीठे वाले चीले, मीठे वाले ही बनाती है ना, अंकुड़ वाले, चीनी वाले। मेरे सास, जब मैं शादी होके आई थी ना मेरी, तो मेरी सास ने बोला कि चीला बनाओ। मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत सारी सासें अपनी बहू की परीक्षाएं लेती हैं, तो बस वही मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने बोला चीला बनाओ, मैंने इस तरीके से चम्मच से उसको तवे पे फैला दिया बैटर को, तो बोलती चम्मच से थोड़ी ना बनता है, चम्मच से थोड़ी ना बनता है, वो तो हाथ से बनता है। तो देखो, हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ से बनना है, चम्मच से बनना है, चमचे से बनना है, हमको खाने से मतलब होना चाहिए कि बन तो रहा है, कम से कम मुझे बनाना तो आता है। लेकिन छोड़ो वो बातें सब, चलो इसको इस तरीके से फैला देंगे, ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों साइड से धीरे धीरे चटाएंगे, क्योंकि तवा पूरा ख़राब हो चुका है, अभी नया वाला तवा लाने वाले हैं, अभी नहीं लाए। आप तो समझ ही सकते हो कि भैया हस्बैंड की पगार है थोड़ी, तो उसी में हम गुजर बसर कर लेते हैं जैसे तैसे। तो अभी नहीं व्यवस्था बन रही, जब बनेगी तब लेकर आएंगे, और इस तरीके से इसको हम पलटेंगे। हमने बहुत अच्छे से इसको पलट लिया है, तो इधर हम सब्जी भी देखते चलेंगे साथ ही साथ में, हमारी सब्जी कैसी बन रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जी बन के तैयार होने वाली है, 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। पक कर रेडी हो गई हमारी सब्जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है अभी, बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज़ भी सही नहीं आ रही है, लेकिन क्या करूँ, आपके लिए तो वीडियो रोज मुझे डालना है, तो बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली की जो भी रेसिपी होती है, जो भी लंच बॉक्स, डिनर या फिर लंच, सब सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए। तो ये देख लीजिए, इसमें हम इस तरीके से और भी तेल डालेंगे, इसको कच्चा नहीं रखना, अच्छे से इसको पलट पलट कर हमको अच्छे से पकाना है। अगर आपके बच्चे कोई सब्ज़ी नहीं खाते, यानी कि शिमला मिर्ची, कोई बहुत सारी चीज़ सब्ज़ी नहीं खाते, तो उसको भी हम इसको पत्ता गोभी भी बारीक कट करके डाल सकते हैं इसमें, हम कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। उसके ज़रिए आपके बच्चे कम से कम खा तो लेंगे, उनको बस तरीका नया होना चाहिए बनाने का, तो बच्चे भी खा लेंगे। अगर हम सब्ज़ी बना के देंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो बेसन के चीले में सारी सब्जियाँ डाल के। तो ये देख लीजिए, इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से 2 चम्मच, वो वाला थोड़ा छोटा हो गया था, इसको हम बड़ा बनाएंगे ना तो जल्दी जल्दी बन जाएंगे ये। तो चलिए इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे, ज़्यादा पतला तो नहीं फैलेगा क्योंकि इसमें सारी सब्जियाँ डली हैं इसलिए। तो बताना कि कौन कौन इस तरीके से चीला बनाता है, प्याज, मिर्ची और टमाटर डालकर। और अगर नहीं बनाया है तो इस तरीके से एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करना, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यही है आज हमारा लंच में, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स में यही जाएगा आज। और जैसे देख कर वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ साथ उनको भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों चीज़ें हैं, सब्जी भी और चीला भी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कोई लंच रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।